सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में घंटे का बटन भी दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, संभवतः हार्दिक समेत चार धुरंधर बाहर, इस दिग्गज का होगा डेब्यू। देखें संभावित प्लेइंग 11। जी हां, नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया डेली न्यूज अड्डा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला मुकाबला 12 जनवरी को सिडनी के मैदान पर खेला जाना है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज अपने नाम कर भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वनडे टीम के लिए ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह जैसे धुरंधर खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया। इसके अलावा भी सिडनी वनडे के लिए भारतीय प्लेइंग 11 में और कई बड़े बड़े बदलाव देखे जाने की संभावना है। खराब फॉर्म से जूझ रहे लोकेश राहुल को पहले वनडे से बाहर बैठना पड़ सकता है। हालांकि लोकेश राहुल और हार्दिक पांड्या को काफी विवाद की वजह से भी इस मुकाबले से बाहर बैठना पड़ सकता है। और वहीं खबरें आ रही हैं कि उनको दो मैच के लिए बैन कर दिया गया है इन दोनों खिलाड़ियों को। वहीं दिनेश कार्तिक, मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल भी अंतिम 11 में बाहर हो सकते हैं, जबकि पहले वनडे मुकाबले में मोहम्मद सिराज को डेब्यू का मौका मिल सकता है। जसप्रीत बुमराह आराम दिए जाने के बाद सिराज को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों सिडनी मुकाबले में संभावित 11 खिलाड़ी कुछ इस प्रकार से हैं। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, अंबाती रायडू, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज और खलील अहमद। दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी प्लेइंग 11 पहले वनडे मैच में खेलने वाली है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।